हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो यार बहुत अच्छे होगे और स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे सोशल मीडियाज़ पर जुड़ सकते हो, स्पेशली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, ये तीन पे तो डेफिनेटली जुड़ो। ठीक है, इन पर मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ, तो इस पे जुड़ सकते हो। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के चैनल पर, चाहे जहाँ भी, या डिस्कॉर्ड पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पैक ओपनिंग से रिलेटेड अगर कोई है कि पैक ओपनिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो है मुझे जो है मैसेज कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी भी जो है डिस्क्रिप्शन में की पेन है। अच्छा, तो आज का जो वीडियो है वो है कुछ पैक से रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहले तो देखो पैक, मैंने अपडेट पे वीडियो नहीं बनाया था, जो अपडेट आने के बाद, तो देखो 4.0 का अपडेट जो आया है, मुझे लगा ओवरऑल मैं ठीक है, गुड, एटलीस्ट इन्होंने कुछ किया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ठीक है, सही है। जो पैक आया तो इन्होंने मुझे, हम लोगों को एक 30th anniversary का गिफ्ट पैक दिया, और उसमें गारंटी डायमंड था, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद इन्होंने आई थिंक नेटवर्क इशू नहीं, फिर इन्होंने आई थिंक 150 सोल्स दिए थे, उसके बाद फिर कुछ गोल्ड्स दिए, फिर मतलब इस तरीके से वो गिफ्ट्स दे रहे थे, और मतलब फिर ठीक था, काफ़ी सही था। नेटवर्क इशू से भी रिलेटेड फिर आया था एक इशू, उसमें 500 सोल्स मिले थे, वो कंपनसेशन था, वो तो रिवॉर्ड नहीं था, उसको रिवॉर्ड नहीं कहेंगे। सो ठीक है ओवरऑल। और फिर मैं टावर की बात करूँ तो टावर भी बहुत बढ़िया है। फैटल थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि उसमें जो मॉडिफायर है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर पे ट्रिपल शील्ड लगते हैं और आपको हर स्पेशल अटैक से वो एक शील्ड तोड़ना पड़ता है। अब हालांकि जो थोड़े लो बॉस हैं उन पे तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 180-200 के बॉस से फाइट करोगे तो डेफिनेटली यू रियलाइज़ कि ये जो मॉडिफायर है इट्स रियली इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। ये आई थिंक मोर सबसे ज़्यादा हैक्स और वन फॉर ऑल से भी ज़्यादा डेंजर है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है। उसके बाद ओवरऑल टावर का मैं रिवॉर्ड कहूँ तो बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल रिवॉर्ड तो यार बेहतरीन है, बेहतरीन। फैटल भी अच्छा है पर नॉर्मल रिवॉर्ड भाई मतलब बेहतरीन है, तो मेरे हिसाब से यार सही है, बढ़िया था। और टावर भी बहुत अच्छा है इनका। बात करते हैं कॉम्बैट पास की, तो यार देखो मैं कॉम्बैट पास का मैंने पहले ही कहा था कि नहीं होने वाला, दमदार नहीं है। हालांकि मैंने प्राइस भी पहले बता दी थी कि ऑलमोस्ट 1500 से 1700 तक का आएगा, और देखो प्रीमियम प्लस 1700 का है और रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का, और एक और है 850 का, और फ्री वाला भी है। तो मैंने ये भी बताया था कि फ्री वाले में बहुत रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत देंगे, तो बस वही थोड़ा बहुत है फ्री में, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमें क्लियर करना पड़ता है, तो वो पास में आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद पास तो यार मतलब क्या ही कहें, खैर उसमें तो कौन ही खर्चा करेगा, कौन लगाएगा पैसा पास के लिए, तो ये बात है। उसके बाद बात करूँगा मैं पैक्स की, तो मेन चीज़ पे आते हैं पैक पे। तो अभी देखो यार कॉम्बैट का आया हुआ, कॉम्बैट का पैक आया हुआ है, गोल्ड पैक। डेफिनेटली ये एक पैक ऐसा है जो मतलब मुझे लगता है कि यार जिनका जॉनी केज और सोनिया मैक्स आउट है उनके लिए ये पैक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ ये पैक। और जिनका मैक जो नहीं भी है ना, तो मैं कह रहा था जिनका मैक्स आउट नहीं भी है उनके लिए भी ये पैक नहीं है, क्योंकि यार भाई तुमको अगर जॉनी और सोनिया चाहिए ना तो तुम चैलेंज से ले लो, चैलेंज कंप्लीट कर लो, वहां से ले लो सोनिया और जॉनी। इसके लिए 325 सोल्स क्यों लगाना है भाई, क्यों लगाना है? और अगर तुम्हें केसी केज चाहिए, इफ़ यू आर रियली वांट केसी केज कॉम्बैट का, तो भाई खैर तब भाई कुछ कह ही नहीं सकते। फिर अगर तुम्हें चाहिए केसी केज ही चाहिए, तुम परेशान हो एकदम केसी केज के लिए, तो भाई तो फिर तुम्हें अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, इट्स योर चॉइस। पर
मैं एट लास्ट ये कहूँगा कि ये पैक वर्थफुल नहीं है। अब तुम कहोगे भैया 10% चांस भी तो है डायमंड का, डायमंड भी तो है 10% चांस, मतलब स्कारलेट की बराबरी है चांसेस के मामले में। वो बात मैं एग्री करता हूँ, पर स्टिल मैं चूज़ करूँगा कोई भी 10% का अदर पैक इन कंपेरिजन टू दिस पैक। वाई मैं ऐसा क्यों करूँगा पूछो? इसलिए क्योंकि इसमें जो है अदर गोल्ड तुमको मिलने वाले नहीं है। इसमें अगर मिलेगा तो जॉनी सोनिया 80% तो यही दोनों मिलेंगे, बचा 20% में से 10, तो 80% जॉनी और सोनिया का है और 10% है केसी केच का, ठीक है। और बचा हुआ जो 10% है ना, वो है तुम्हारा रैंडम डायमंड। रैंडम क्या है? 5% स्पेसिफिक डायम स्पेक ऑप्स डायमंड है और 5% तुम्हारा रैंडम डायमंड है। मेन मान ले मतलब 80% जॉनी और सोनिया है, तो अगर जिसका सोनिया और जॉनी मैच जो है भाई, उसके लिए तो ये पैक यानी एकदम वेस्ट वेस्ट है भाई, वेस्ट है। खोलना ही नहीं है कि चलो भाई उसको खोल रहे हैं, जॉनी और सोनिया को मैच करने के लिए खोल रहे हैं। और अगर मैच नहीं भी है तो वो भी नहीं खोलना है भाई, चैलेंज से ले लो ना, तुम चैलेंज खेल लो अच्छे से, वहां से मिल जाएगा जॉनी और सोनिया। इतना सोल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाना है इतना सोल्स किसी चीज के लिए? अब मेन चीज़ है कि यार 325 जो है ना, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है इस पैक की, ये 50% ऑफ पे है। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 650 सोल्स की है, 650 सोल्स। अरे किस बात का 650 सोल्स है यार? जॉनी और सोनिया 80% है, 650 सोल्स केसी केज है इस पैक में, इसलिए 650 सोल्स। पता नहीं यार इसकी कॉस्ट एक्चुअल में वही 400 होनी चाहिए, 650 क्यों है? पता नहीं कब किसका कौन सा पैक बना देते हैं, मतलब पैक बनाने का भी वही नहीं है कि हमें कितना परसेंट किसको देना है। अगर इतना कम परसेंट है तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए इसकी? यार एक बार के लिए मेकी ट्रेन चलो ठीक है, क्योंकि मेकी ट्रेन में तुमको 1% चांस है रेन भी मिल सकता है यार, और कुछ थोड़ा बहुत चांस है कि सैमसंग और नुप्सा बोर्ड मिल सकता है, तो चलो ठीक है। एक बार के लिए 750 जो सोल्स की कॉस्ट है मेकी ट्रेन पैक की, वो आदमी डाइजेस्ट कर सकता है। पर इसको क्यों 650 का रखा है और ये 325 में मिल रहा है? इसकी ओरिजिनल जो है 400 की होनी चाहिए थी और ये 200 में पैक मिलना चाहिए था 50% ऑफ पे, तरीका तो ये था। तो इसको खोलने का तो कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये पैक सही नहीं है, वर्थफुल नहीं है। अगर स्टिल अगर आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे हो तो जो पैक खोल सकते हो, पर मेजॉरिटी तुमको जॉनी और सोनिया ही मिलेंगे तो है ना, तो ये अरे नहीं अच्छा है, लिटरली बात मानो। वेट करो, अभी बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, अभी हेलोइन आएगा। हाँ मानता हूँ हेलोइन पे तुमको नाइटमेयर की सी पैक्स मिलते हैं, 1 तारीख को तुमको डे ऑफ द डेड का पैक मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को तुम्हारा ब्लैक फ्राइडे आएगा, आई थिंक 26 या 27 को, मुझे याद नहीं है, थैंक्सगिविंग के बाद ही है। तो मे भी अगर मान लो 26 को है तो 26 को आएगा, मतलब ब्लैक ये तुम्हारा ब्लैक फ्राइडे पे तो अच्छे खासे पैक्स आते हैं, तुम को पता ही है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे पे ठीक ठाक पैक आते हैं, और तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो कोई अगर पर्टिकुलर पैक चाहिए तो। बाकी क्रिसमस पे भी कुछ आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, 25 दिसंबर को। बाकी जनवरी में जो है तुम्हारा सोलिंग पैक आने वाला है, जिसमें क्लासिक लुकैंग, क्लासिक रेडन और इनजस्टिस 2 रेडन मिलते हैं, तो उन अगर उसके लिए जाना चाहते हो तो जनवरी जैन तक रुको। पर यार ऐसे घटिया पैक्स पे सोल्स अपने वेस्ट मत करो, मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने जो सोल्स हैं, क्योंकि देखो यार तुम लोग को भी पता है कि सोल्स
कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है और मेहनत भी लगती है। और जब आप गलत चॉइस कर लेते हो पैक की और उस पैक को खोलने लगते हो और आपको लिटरली जो रिज़ल्ट आप सोचे थे पैक ओपनिंग करने से पहले, वो पैक ओपनिंग के बाद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो यार नहीं सही है। इसलिए ऐसे पैक से दूर रहो, मत ट्राई करो, ट्राई भी नहीं करना यार। एक पैक या तो अगर बहुत मन कर रहा है तो जाके एक पैक खोल लो, गारंटी दे रहा हूँ कि 80% चांस है, वैसे ही 80% है कि 80% चांस है कि तुमको सोनिया या जॉनी में से ही कोई ज़्यादातर मिलेगा। बहुत लकी रहोगे तो डायमंड मिल जाएगा या किसी केज मिल जाएगी। यार किसी केज के लिए मैं लकी नहीं मानता, पर ठीक है मिल गई तो। पर वही चीज़ है ना, या किसी केज के लिए क्यों खोलना है भाई एक बार के लिए। किसी केज की जगह कॉम्बैट कप लुकैंग होता तो मैं कहता कि चलो ठीक है, वैसे वो भी ठीक नहीं है, क्यों ही खोलना है भाई। चैलेंज से जॉनी सोनिया ले लो और वेट कर लो यार, किसी का इतना इतना रिक्वायरमेंट नहीं है किसी की, है ना। हाँ मुझे पता है कि स्टिल बेटर देन द स्ट्राइक फोर केसी केज, पर स्टिल यार। तो बस यार यही है वीडियो में, मैंने कहा यार बता दिया जाए। बाकी अभी अभी कुछ पैक आने वाले हैं, मेकी ट्रेन का पैक आएगा और मे भी हो सकता है आपको स्कारलेट के पैक में भी ऑफर देखने को मिल जाए, क्योंकि MK11 पैक में आया है ऑफर, तो मे भी हमें स्कारलेट पैक पे भी ऑफर मिल सकता है। क्लासिक डायमंड पैक आ सकता है जिसमें लुकैंग, रेडन और जैक्स मिलते हैं, क्लासिक करेक्टर, तो उसके लिए भी अगर आता है तो वो भी बेस्ट है। लेकिन यार ये सब पैक नहीं सही है, मैं मानता हूँ 10% चांस है, पर अगर आप जॉनी और सोनिया सेल आउट करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। मैं तुमको बोल नहीं रहा हूँ कि मत ही खोलो, पर स्टिल ठीक है। वैसे वो तो एग्री करना ना एग्री करना वो तो आपके ऊपर है, उस पर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बाकी मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है मैं वो चीज़ बता देता हूँ। बाकी बस यही है यार, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सपोर्ट करो यार। और सोशल मीडिया पे जुड़ो डेफिनेटली, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर इट्स योर चॉइस, अगर लगता है कि शेयर कर किया जा सकता है तो गेमर 116 का वीडियो तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज तो बस यार यही है वीडियो में। बाकी देखते हैं कोई और टॉपिक पे वीडियो, बाकी भी देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। अब यार ये अपडेट तो बस ठीक है, मैं ये कहूँगा कि यार कुछ चेंज किया इन्होंने, हालांकि बहुत अनोखा नहीं किया लेकिन तब भी चलो ठीक है, मतलब एक कोशिश तो किया उन्होंने, स्टार्टिंग की है। बस मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि उन्होंने कुछ कुछ चेंज लाने की शुरुआत तो की कम से कम। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, मे बी कुछ नए अपडेट में कुछ नया देखने को मिल जाए, मे बी कुछ इंटरेस्टिंग। सो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।